दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। गाजियाबाद के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने पुलिस को शिकायती चिट्ठी लिखी है। शिकायत है अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती 6 मरीजों के बारे में। ये मरीज निजामुद्दीन में पिछले महीने हुई मरकज से संबंधित हैं। गाजियाबाद के सीएमओ ने पुलिस को चिट्ठी लिखकर कहा है कि इन मरीजों के व्यवहार की वजह से इनके इलाज में दिक्कत आ रही है। ये मरीज वार्ड में नंगे घूमते हैं और महिला स्टाफ को अश्लील इशारे करते हैं। इन मरीजों पर आरोप है कि ये दी गई दवाएं भी नहीं खा रहे हैं। इस संबंध में पहले जिला अस्पताल के स्टाफ ने सीएमओ को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में कहा गया था कि समझाने के बाद भी ये मरीज दूरी बनाए रखने की जगह ग्रुप्स में बैठे हैं। चिकित्सा अधिकारी की शिकायत पर जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। क्या है सीएमओ की चिट्ठी में? जो चिट्ठी मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने गाजियाबाद की घंटाघर कोतवाली पुलिस को लिखी है, उसमें कहा गया है कि आपसे अनुरोध करना है कि इस चिकित्सालय में तैनात स्टाफ नर्सों द्वारा अपने पत्र दिनांक 1/4/2020 में लिखित रूप से अवगत कराया गया है। इस चिकित्सालय में आइसोलेशन वार्ड में कोरोना वायरस से संभावित जमाती मरीज वार्ड में बिना पैंट के नंगे घूम रहे हैं। वार्ड में वो गंदे व अश्लील गाने सुन रहे हैं तथा स्टाफ नर्सों और कर्मचारियों से बीड़ी सिगरेट की मांग कर रहे हैं, महिला कर्मियों से अश्लील इशारे कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में चिकित्सालय से इनका इलाज करना संभव नहीं हो पा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया ऐसी गंभीर स्थिति को देखते हुए इस संबंध में अपने स्तर से प्रभावी कार्रवाई करवाने का कष्ट करें ताकि उन्हें संयमित रखकर उनका उपचार किया जा सके। अब प्रशासन का क्या कहना है? गाजियाबाद के जिला अधिकारी अजय शंकर पांडे ने मीडिया से कहा कि हम चिकित्सा अधिकारी की तरफ से चिट्ठी हमको ये जो मिली है, इस चिट्ठी में कुछ मरीजों के व्यवहार और असहयोग की बात कही गई है, तो हमने जांच शुरू कर दी है। 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। मुकदमा दर्ज हो चुका है। गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले में अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है जिनकी शिकायत सीएमओ ने अपनी चिट्ठी में की थी। इसकी जानकारी गाजियाबाद एसएसपी कलानिधि नैथानी ने मीडिया को दी है। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल दी ललन टॉप को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी ललन टॉप की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiariesLT@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी ललन टॉप।